हेलो फ्रेंड्स, कुक इट इजी चैनल में आपका स्वागत है। आजकल जैसा माहौल चल रहा है कि हम लोग बाहर का खाना नहीं खाते हैं और अपने बच्चों को भी नहीं खाने देते हैं, तो मैंने सोचा आज एक कुछ अलग से बनाया जाए जो बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत पसंद आता है। तो आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ कलाकंद। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी, 100 ग्राम पनीर मैंने लिया है, आधा कटोरी मैंने मिल्क पाउडर लिया है और 1 कटोरी मैंने चीनी ली है। ये वो चीज़ें हैं जो आसानी से हमारे घर में मिल जाती हैं। तो चलिए कलाकंद बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए, इतने हमारा पैन गरम होता है, हम पनीर को थोड़ा सा मैश कर लेते हैं, जिस ताकि उसमें से जो भी हल्का फुल्का पानी है वो निकल जाए और पनीर हमारा स्मूथ हो जाए। ये देखिए, ये हमारा पनीर स्मूथ हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये पैन गरम कर लिया है, अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। और देसी घी डालने के बाद हम इसमें पनीर डाल देंगे। इस पनीर को अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक इसका सारा पानी निकल नहीं जाता। ये देखिए, पनीर पानी छोड़ रहा है अपना, और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक इसका सारा पानी सूख नहीं जाता। और बहुत धीमी आंच पर इसको पकाना है, नहीं तो ये हमारा पनीर जल जाएगा। इसे पकाने में कम से कम हमें 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो ये देखिए, हमारे पनीर का सारा पानी सूख चुका है। ये देखिए, ये पैन छोड़ने लगा है और इसका पानी अच्छे से सूख गया है। ये देखिए, अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब हम इसमें मिल्क पाउडर मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर मिलाने के बाद इसमें हम आधी कटोरी मिल्क पाउडर के बाद हम इसमें आधी कटोरी दूध का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप मिल्क मेड रखते हैं तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे जब तक पकने देंगे जब तक ये सारा पनीर जो है हमारा दूध एब्जॉर्ब नहीं कर लेता, और इसे धीमी आंच पर स्टर करते हुए पकाते रहेंगे। तो ये देखिए, हमारे पनीर में सारा दूध एब्जॉर्ब हो गया है और हमारा मिक्सचर कितना गाढ़ा हो चुका है, ये देखिए। बस अब इसे 1 मिनट और पकाएंगे। ये देखिए, इसने सारा दूध एब्जॉर्ब कर लिया है और ये पैन भी छोड़ने लगा है। अब इस टाइम पर इसमें चीनी डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। जैसे ही हम पानी चीनी डालेंगे तो ये हमारा मिक्सचर फिट पतला हो जाएगा। और अब हम इसमें चीनी को पकने देंगे। चीनी जब इसमें पक जाएगी तब तक हम इसको चलाते हैं। तो ये देखिए, हमारी चीनी भी अच्छे से इसमें मिक्स हो चुकी है। अब हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे जब तक ये पैन को छोड़ने ना लगे। ये देखिए, हमारी सारी चीनी इसमें मिक्स हो चुकी है और अब हम इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते रहेंगे जिससे कि ये नीचे ना लगे। तो ये देखिए, हमारा मिक्सचर जो है, देखिए इसके पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है। ये देखिए,
और जब जब ये बिल्कुल एक गोंद की तरह इकट्ठा हो जाएगा तब हम इसकी गैस बंद कर देंगे और हमारे कलाकंद तैयार हो जाएंगे। मैंने इसके अंदर बादाम और इलायची का पाउडर भी डाल दिया है। आप चाहें तो और भी अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। ये देखिए ये इकट्ठा होना शुरू हो गया है। ये देखिए पंच हो गए थे बिल्कुल। हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए। थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है हमारा मिक्सचर। तो ये देखिए मैंने एक स्टील का बॉक्स ले लिया है और इसको मैंने घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम अपने मटेरियल को इसके अंदर डालेंगे। और इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो ये देखिए मैंने सारा मटेरियल अपना इस बॉक्स के अंदर डाल दिया है और इसे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अगर ये मटेरियल आपकी स्पून पर चिपकता है तो पीछे थोड़ा सा देसी घी लगा लीजिएगा, उससे ये एकदम सही हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। और इसे हम चम्मच की सहायता से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे, या फिर आप इसे जल्दी ठंडा करना चाहते हैं तो 1 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो चलिए इसे ठंडा करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कलाकंद को रखे हुए 3 घंटे हो चुके हैं और ये देखिए हमारा कलाकंद बिल्कुल सेट हो चुका है। कितने अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसको कट करेंगे। आप चाहें जिस शेप में कट कर सकते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए हमारा कलाकंद बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। देखिए कितना अच्छा बना है ये। इसकी थिकनेस कितनी अच्छी है और कितना सॉफ्ट भी है। ये देखिए मैं एक और दिखाती हूँ। ये देखिए, तो देखिए दोस्तों हमारा कलाकंद कितना अच्छा बनके रेडी हो गया है। इसे बनाइए, खाइए और खिलाइए। और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।